आज हम आप करे जा रहे हैं खाटू श्याम की यात्रा पर। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार है बार जो लोग चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बना रहे हैं लोग दिल्ली से खाटू श्याम तक का। दोस्तों जो आज की हम यात्रा शुरू कर रहे हैं वो ट्रेन नंबर है 12066 जो कि दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन से चलकर अजमेर तक जाती है। और इसी ट्रेन से आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम की यात्रा पर। तो इस ट्रेन के बारे में आपको दोस्तों बताता हूँ कि इस ट्रेन में जो पड़ने वाले हॉल्ट है ये दिल्ली सराय रोहिला के बाद इसमें जो स्टेशन आता है वो दिल्ली कैंट है, उसके बाद गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल, नीम कथाना, श्री माधोपुर और उसके बाद रिंगस जंक्शन। रिंगस जंक्शन पर उतरकर ही हम आगे की तरफ खाटू श्याम की यात्रा कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है दिल्ली से राय रोहिला स्टेशन से। और जो छोटे छोटे स्टेशंस बीच में आते हैं इन सबको स्किप करते हुए अभी ये सीधा जाकर रुकेगी दिल्ली कैंट पर। दोस्तों इस ट्रेन को आप IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और ये ट्रेन दिल्ली से राय रोहिला से 4:15 पर शाम को चलती है। और अभी हमारा जो पहला हॉल्ट है दिल्ली कैंट का वो आ चुका है। यह है दिल्ली कैंट स्टेशन और यहाँ पर ट्रेन सिर्फ 2 के लिए ही रुकती है और उसके बाद ये आगे की तरफ निकल पड़ी है अपनी मंजिल की ओर। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 4:15 पर चलती है और रिंगस जो इसका पहुंचने का टाइम है वो है 7:40 का। तो काफ़ी फास्ट ये ट्रेन है, ऑल जन शताब्दी एक्सप्रेस। और जो इसकी स्पीड है दोस्तों वो 100 से अबव है और काफ़ी तेज ट्रेन चलती है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। और अभी इस वक्त आप देख सकते हैं ये ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। और ये आप देख सकते हैं विमान खड़े हुए हैं एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के लिए। तो इस ट्रेन से आप पालम एयरपोर्ट को भी देख पाएंगे। काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं ट्रेन और ये खूबसूरत नज़ारे आप देख पा रहे हैं। दोस्तों रेवाड़ी के बाद जो आप खूबसूरत नज़ारे देख पाएंगे, देखिए किस तरीके से आप इन पहाड़ों को देख सकते हैं। और रेवाड़ी के बाद ये काफ़ी सुंदर दृश्य रास्ते में देखने को मिल जाते हैं। और अभी हम नारनौल के करीब पहुंचने वाले हैं लेकिन जो खूबसूरती है वो नज़ारों की बढ़ चुकी है। काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल पा रहे हैं और बीच बीच में हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी छोटे छोटे गांव यहां पर बसे हुए हैं लेकिन नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं।
अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है रिंगस जंक्शन पर, और अभी हम रिंगस जंक्शन उतर कर आपको आगे की जो खाटू श्याम की यात्रा है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से हम खाटू श्याम तक रिंगस जंक्शन से पहुंच सकते हैं। तो स्टेशन करीब ही है, रिंगस जंक्शन आने वाला है, तो चलिए आगे की यात्रा आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी वहाँ पहुँच गए हैं रिंगस स्टेशन पर, और अभी यहाँ से बाहर की तरफ जाकर देखते हैं खाटू श्याम तक के लिए ऑटो या दूसरा और क्या हमें साधन मिल पाता है। तो भैया रिंगस से हमने कर लिए है जी, और यहाँ से जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। तो आपको जीप का सफर दिखाते हैं। दोस्तों जैसे ही आप खाटू श्याम के लिए रिंगस स्टेशन से बाहर आएंगे आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी, जो कि 40 से 50 रुपए आपसे लेंगी, और आपको आधे से पौने घंटे के टाइम में खाटू श्याम तक आपको छोड़ देंगी। यही शेयरिंग जीप यहाँ पर आपको मिल पाएंगी बाहर रिंगस स्टेशन के, और यहीं से ही आप जो आगे की यात्रा है वो खाटू श्याम तक की कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी हम जीप में बैठ चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं रिंगस जंक्शन से खाटू श्याम तक का यात्रा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको कराते हैं रिंगस से खाटू श्याम तक की यात्रा जो कि जीप से होती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और देखिए खाटू श्याम की यात्रा। और दोस्तों रिंगस जंक्शन से बाहर निकलकर जो जीप से हमने यात्रा शुरू की थी, करीब आधे से पौने घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम। और अभी यहां से जहां पर ये देख पा रहे हैं सामने की तरफ, ये है खाटू श्याम द्वार, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये, और देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग रात के वक्त यहाँ पर हो रखी है, काफ़ी खूबसूरत ये द्वार बना हुआ है। और यही है खाटू श्याम जी का प्रवेश द्वार, यहीं से ही आप अंदर की तरफ प्रवेश कर पाएंगे खाटू श्याम। तो दोस्तों ये थी दिल्ली से खाटू श्याम तक की यात्रा, और आप भी इस तरीके से दिल्ली से खाटू श्याम तक पहुंच सकते हैं। जय हो हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम की।